हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन चाहन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज राबोड़ी की सब्ज़ी कैसे बना सकते हो आप। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, बारीक नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने ये राबोड़ी ली है, ये देखिए। इसे हम सर्दियों के मौसम में बनाते हैं और पूरे 12 महीने के लिए स्टोर करते हैं। ये मक्की के आटे से और छाछ से बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम इस राबोड़ी को 10 से 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं पानी से, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से पक जाएगी। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए और लाल मिर्च ले लिए। यहाँ पे लाल मिर्च की जगह आप वो जो गीली लाल मिर्च आती है ना, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो वाली भी ले सकते हो कूट के। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें कोई चटपटा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल से मसालों से ही बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है इसकी सब्ज़ी, और इसे बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, प्याज वगैरह टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल गर्म कर लिया है, अच्छे से गर्म हो गया है तेल। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन जो मैंने कूट के रखा था। लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसाला। ये मसाला डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। तो अब हम इस मसालों को 2 से 3 मिनट तक ढक के अच्छे से पका लेंगे, ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाएं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम पानी में उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है एकदम से। अब इसे उबाल आने तक अच्छे से ढक के हम पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे वो जो राबोड़ी हमने भिगो के रखी हुई थी। राबोड़ी की सब्ज़ी राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, खासकर सर्दियों के मौसम में। और ये राबोड़ी कैसे बनाई जाती है, इसकी रेसिपी मैं अभी तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ना सर्दियों के टाइम बनाया जाता है, जब ज़्यादा सर्दी होती है। अभी तो सर्दी कम हो गई है, इसलिए अभी नहीं बन पाएगी। तो मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएँगे कम पानी में। तो चेक करते हैं, ये देखिए अभी से हम अच्छे से चला लेते हैं। हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 गिलास के करीब पानी इसमें डाल देना है, और इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए, ये देखिए राबोड़ी की सब्ज़ी जो है अच्छी तरीके से पक गई है। पानी जो है एकदम अच्छे से गायब भी हो गया है, पानी जो है इसने अच्छे से सोख लिया है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया, और ये राबोड़ी की सब्ज़ी जो है अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सीमास किचन चौहान को थैंक यू।